जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 2, जो कि बहुपद है। हाँ, प्रश्नावली खत्म हो गया बेटा, हम लोगों को पढ़ना विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक है, इसमें एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक एक क्वेश्चन लगाना है बेटा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, आ जाओ। कह रहा बाबू कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को क्या करना है बेटा, दोनों के गुणनखंड निकालना है। तो पहला दिया है यक्स क्यूब, देखोगे पहला दिया बेटा यक्स क्यूब प्लस प्लस नहीं माइनस दिया है, माइनस वाई क्यूब बाई 8, और क्या दिया है, दिया प्लस जेड क्यूब बाई 27 दिया है। ठीक है, उसके बाद प्लस दिया है प्लस यक्स वाई जेड, और बाई कितना दिया बेटा, 2 दिया है। ठीक है, ध्यान देना। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं यक्स क्यूब, इसको लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ पे अंदर माइनस लगा के, ठीक है बेटा, वाई बाई 2 का होल क्यूब। देखना यहाँ पे होल क्यूब मतलब क्यूब का मतलब माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और प्लस जेड बाई 3 का क्यूब। ठीक है, और माइनस लिखेंगे बेटा 3 इंटू ए कितना बेटा, यक्स है इंटू बी, माइनस वाई बाई 2 इंटू सी कितना है, जेड बाई 3। ठीक है, तो देखोगे अगर बाबू तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, और एक्स वाई जेड बाई 2, तो हम एक्स वाई जेड बाई 2 को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यक्स प्लस क्या होगा बेटा, माइनस वाई बाई 2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा वाई बाई 2, और प्लस जेड बाई 3 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद अगर देखा जाएगा बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, उसके बाद यहाँ पे बोले हैं बेटा दूसरे ब्रेकेट में क्या, ए स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 ए बी सी है, तो क्या होगा बेटा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा, माइनस ए का वैल्यू है यक्स इंटू बी का वैल्यू है माइनस वाई बाई 2। ठीक है, फिर माइनस बी सी, तो बी का वैल्यू है माइनस वाई बाई 2 और इंटू सी का वैल्यू है बेटा जेड बाई 3। ठीक है, सी ए जेड बाई 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे यक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यक्स स्क्वायर प्लस का प्लस रहने दो बेटा, माइनस की स्क्वायर प्लस वाई का वाई हो जाएगा 2/4, और प्लस जेड बाई 3^3 का 9। अब यहाँ पे अगर किया जाएगा बाबू माइनस माइनस प्लस यक्स वाई बटे 2। ठीक है, यह भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई जेड बटे 3 और प्लस जेड एक्स बटे, यहाँ पे बेटा क्या होगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे माइनस जेड एक्स बटे 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जेड एक मिनट बाबू, जेड ए हो गया एक्स, हाँ, और यह कितना होगा, वो एक्स वाई बटे 2 सही है, माइनस माइनस प्लस वाई और जेड 3 2 6 होता है, सॉरी बेटा यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद बेटा क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम लोगे 3 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा इसका, यहाँ पे कुछ नहीं 1 कर लेना, तो यहाँ पे 6 कम हो जाएगा बेटा, 6x माइनस 2 3 6, 3 1 3 3 y। ठीक है, और प्लस है बेटा 3 2 6 प्लस 2 z हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम पूरे का हो जाएगा बेटा 36। ठीक है, इसके बटे 1 कर लो, 9 चौक 36, 6 3 हाँ 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 36 यक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे 4 9 36, यहाँ पे 9 y स्क्वायर रहेगा बेटा, और यह जेड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करोगे बेटा प्लस 9 4 36 4 जेड स्क्वायर प्लस 18 2 36 18 xy प्लस 6 6 36 6 yz और कितना है बेटा 12 3 36 माइनस 12 zx, ये हो जाएगा बेटा इसका वैल्यू, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लिख लो बाबू इसका, इसका पूरे का हो जाएगा 36 × 6 करोगे 216, 6 6 36 6 का 216, और एक ब्रेकेट में लिखना बेटा 6x - 3y और प्लस 2z, ठीक है। और दूसरे ब्रेकेट में बेटा यही वाला चीज उठा के क्या करना, लिख लेना, ठीक है। हो जाएगा 36x² प्लस 9y उसके बाद प्लस 4 क्या है बेटा 4z², ठीक है, और प्लस 18xy हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 6yz और माइनस 12zx, ये हो जाएगा बेटा इसका वैल्यू। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू, इसमें पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x³ + y³ - 1 + 3xy, यही दिया बेटा x³ + y³ और माइनस 1, ठीक है, दिया बेटा x³ + y³ - 1 और प्लस 3xy, यही दिया है बाबू x³ + y³ - 1 + 3xy। इसको हम लिख सकते हैं बाबू, ध्यान देना क्या लिखेंगे, x³ इसको लिखेंगे, y³ इसको लिखेंगे, प्लस फिर -1³ इसको लिखेंगे बेटा -3 × a, a का मान x, b का मान y × c, -1, देखना माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा बेटा, 1 का गुणा होगा सब वही रहेगा 3xy, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे a³ + b³ + c³ - 3ab बराबर क्या होता है a+b+c, दूसरे ब्रेकेट में a² + b² + c² -ab - bc - c, ये ठीक है। यहां से अगर किया जाएगा तो क्या होगा x + y - 1 और दूसरे में होगा x² + y² और प्लस क्या होगा बेटा -1² होगा, ठीक है, क्या होगा -1² ठीक है, -1² और -ab क्या है बेटा xy - bc क्या yz -1 है, और माइनस क्या है बेटा यहाँ पे bc c कितना बेटा -1 × a का मान x है, ठीक है। तो अगर किया जाएगा यहाँ पे तो x + y - 1 और x² + y² बेटा -² + 1 का 1 -xy और -± + y और यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 उसको भी लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो इसको नोट करिए, चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन क्या होगा बाबू, दिया है कि यदि 2x + y + z = 0, दिया बेटा 2x + y + z, यही दिया बेटा बराबर 0, कहा 8x³ + y³ + z³ बराबर क्या करना बेटा, बराबर सिद्ध करना है 6xyz, यह चीज क्या करना बेटा सिद्ध करना है। तो ध्यान देना बाबू, अगर हम कहें फार्मूला होता है a+b+c बराबर क्या बेटा 0 होता है, तो आपको बताए थे a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3ab c होता है, ठीक है, कई बार हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं बेटा, जैसे a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है c³ - 3abc, अगर देखेंगे बाबू ध्यान देना, क्या a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a+b+c, और दूसरे ब्रेकेट में होता है बेटा क्या होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca,
यही चीज होता है बेटा। अगर कह दे ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो यह चीज हो जाएगा बेटा जीरो। तो जीरो में किसी संख्या का गुणा होगा जीरो, तो यह पूरा हो जाएगा जीरो। तो क्या है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर हो जाएगा जीरो। तो अगर निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, यह जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा सॉरी बेटा, बराबर क्या हो जाएगा थ्री ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह दिया है बेटा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, थ्री ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे दिया बेटा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो। तो पूछ रहा है बेटा कि आठ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू अगर हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड से उठाएं, सिद्ध करना है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बाबू लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे तो इसका वैल्यू कितना है बाबू, ध्यान देना, इसका क्या है आठ एक्स क्यूब है, इसको लिख सकते हैं दो एक्स का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये चीज आ गया बेटा, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है बेटा, क्या यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है थ्री ए बी सी। तो इसको लिख सकते हैं बेटा थ्री इंटू टू एक्स इंटू वाई इंटू क्या बेटा जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तीन दूनी छह एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ए राइट हैंड साइड है, यही लाना था आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा तीन पे। ठीक है, तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस टू जेड बराबर जीरो, x प्लस वाई प्लस टू जेड बराबर बेटा जीरो। तो कहा है क्या, कहा है बाबू कि x स्क्वायर बटे वाई जेड, यही दिया है x स्क्वायर बटे वाई जेड है। ठीक है, वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे क्या है बेटा एक्स वाई होगा, यही होगा ना, यह वाई एक्स होगा। ठीक है, एक्स वाई बराबर छह सिद्ध करना है, इसमें भी क्या करना है बेटा छह सिद्ध करना है। तो एक चीज ध्यान देना बाबू, हम क्या करें तीनों का एलसीएम ले लें। तीनों का एलसीएम अगर लेंगे बाबू, एक मिनट, यहाँ पे टू जेड है तो यहाँ पे भी कुछ होगा, क्या है आठ जेड स्क्वायर है। ठीक है बेटा, यहाँ पे है आठ जेड स्क्वायर। तो करोगे बाबू एलसीएम लेंगे हम, एक्स वाई जेड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा देखना, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स बचेगा, एक्स का गुणा एक्स में होगा एक्स क्यूब। ऐसे यहाँ पे करोगे बेटा वाई क्यूब, ऐसे यहाँ पे करोगे टू जेड का होल, या रहने दो आठ जेड का क्यूब। ठीक है बेटा, और बराबर कितना है छह है। ठीक है, तो अगर करोगे बाबू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आठ जेड का क्यूब बराबर छह एक्स वाई जेड हो जाएंगे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर देखोगे बाबू, तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड से उठाएं, क्या करें लेफ्ट हैंड साइड से उठाएं, सिद्ध करना है। तो कितना है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आठ जेड का क्यूब। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टू जेड का होल क्यूब। ठीक है, अब बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, थ्री ए बी सी होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है। ठीक है, तो हो जाएगा थ्री इंटू ए का मान x, y का मान कितना होगा बेटा y, b का मान y होगा, c का मान टू जेड, तीन दोनी छह एक्स वाई जेड। ठीक है, और हमको यही लाना था बेटा, यह आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से कर लोगे ना। तो बेटा इसके बराबर यह आ गया, अब यही चीज सेम के सेम लाना, देख लो इसके बराबर यह आ गया। हम लिख सकते हैं बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कितना है बेटा टू जेड है, तो टू जेड का होल क्यूब बराबर कितना आ गया बेटा सिक्स एक्स वाई जेड। अब क्या करो, दोनों पक्षों में एक्स वाई जेड से भाग दे दो, अगर सेम चीज लाना है तो भाग देंगे बेटा एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड। बेटा एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, जेड क्यूब है तो यहाँ पे कटेगा स्क्वायर बचेगा जेड का बेटा, यहाँ पे कितना है बेटा यहाँ पे है वाई क्यूब कटेगा स्क्वायर बचेगा, एक्स कटेगा स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस बेटा वाई स्क्वायर बटे एक्स जेड प्लस दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ होगा, और जेड का क्यूब कितना होगा बेटा यहाँ पे जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर कितना बचेगा छह, यही लाना था बाबू आ गया। ठीक है, यही लाना था ना
आ गया, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो नहीं तो पूरा लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर, बाबू आप लोग तीन भी नोट कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर चार पे। चार नंबर कहा है बेटा, घनों को बिना गुणनखंड किए ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, बिना गुणनखंड किए इन लोगों को ज्ञात करना है, तो बिना गुणनखंड किए कैसे ज्ञात होगा, ठीक है चलो आ जाओ देखते हैं बेटा। बिना गुणनखंड किए बोला है यक्स माइनस टू वाई का क्यूब, क्या बोला है बेटा यक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब, यक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब, ठीक है। दूसरा कितना, टू वाई माइनस थ्री जेड का होल क्यूब, टू वाई माइनस थ्री जेड का होल क्यूब। तीसरा क्या है बेटा, थ्री जेड माइनस एक्स का क्यूब, थ्री जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है चलो। अब यहां पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगर बाबू यहां पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो अगर सिद्ध हो जाता है, यहां पे बीच में प्लस दिया है, ठीक है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम इसको जोड़ लें बेटा, तो यक्स प्लस टू वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड, यक्स माइनस है सॉरी बेटा बहुत गलती हो रहा आज, और प्लस थ्री जेड माइनस यक्स, यही है टू वाई से टू वाई कैंसिल, थ्री जेड से थ्री जेड कैंसिल बेटा, और यक्स से यक्स, मतलब ये प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। हम लिख सकते हैं बेटा यक्स प्लस यक्स माइनस कितना है, टू वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड और प्लस थ्री जेड माइनस यक्स बराबर क्या है बेटा, जीरो होगा, क्या होगा जीरो। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है ये हो गया जीरो। तो बेटा जब यह जीरो हो गया तो हम लिख सकते हैं यक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड का होल क्यूब प्लस थ्री जेड माइनस यक्स का होल क्यूब बराबर क्या होगा, थ्री इंटू ए क्या होगा बेटा, यक्स माइनस टू वाई इंटू बी क्या होगा, टू वाई माइनस थ्री जेड इंटू सी क्या होगा, थ्री जेड माइनस यक्स होगा, ये हो जाएगा बेटा इसका गुणनखंड, यही हो जाएगा इसका आंसर। दो लाइन का क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है बेटा लेकिन रियल में क्या है, सिर्फ दो लाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है चलो इसको मिटाते हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है यदि एक्स माइनस दो और एक्स माइनस एक बटे दो, एक्स माइनस दो दिया बेटा इसके बराबर जीरो ले तो एक्स बराबर होगा दो, और बोल रहा है x माइनस एक बटे दो बराबर जीरो ले ले बेटा तो x बराबर एक बटे दो हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है दोनों ही पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर के गुणनखंड, देखना बेटा किताब में x दिया वहां पे r रहेगा, ठीक है वो गलत दिया, के गुणनखंड है तो दर्शाइए p बराबर r, ठीक है। तो क्या करना बाबू, दोनों को देखना है, क्या कहा है कि पी एक्स स्क्वायर दर्शाना है, गुणनखंड है पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर, यही बोला बेटा 5x प्लस आर क्या है इसके गुणनखंड हैं। तो बेटा अगर x बराबर 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा x बराबर 2 पे, p गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 प्लस आर बराबर 0, तो 2 दूनी 4 p हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 प्लस आर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या करें, हम छोड़ दें यहीं पे, चलो ठीक है छोड़ दो समीकरण नंबर 1, और बाबू क्या दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर दिया है। अगर हम एक्स बराबर एक बटे दो रखें तो पी गुड़े एक बटे दो का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन बाई टू और आर जो होगा बेटा जीरो के बराबर हो जाएगा, पी गुड़े एक बटे चार प्लस पांच बटे दो प्लस आर बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना होगा इसका बेटा, एलसीएम हो जाएगा चार, क्या होगा चार, तो यहाँ पे p होगा दो दूनी चार पांच दूनी दस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे चार r हो जाएगा बराबर जीरो, इसका गुणा इधर कर दो बेटा तो p प्लस दस प्लस चार आर बराबर जीरो, समीकरण नंबर दो। बेटा समीकरण नंबर एक भी जीरो के बराबर, दो भी जीरो के बराबर है, तो क्या करेंगे दोनों आपस में बराबर कर देंगे समीकरण एक व दो से करोगे बेटा तो कितना होगा, फोर पी प्लस टेन है, फोर पी प्लस टेन प्लस आर कितना है, p प्लस टेन प्लस कितना है 4r, ठीक है बेटा 10 से 10 कैंसिल,
तो 4p p इधर लाओ माइनस p, 4r r उधर ले जाओ माइनस r, इधर बचेगा बेटा 3p, इधर 3r, 3 से 3 कैंसिल, p इक्वल टू कितना बचेगा r, यही लाना था। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका हो गया बेटा 5 भी खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छठवें क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्या कह रहा है बेटा, 6 नंबर कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है बेटा, 5 दिया है। ये दिया है हमेशा बेटा 0 देता था, ठीक है, अब की बार क्या दिया है, 5 दिया है, तो मतलब नहीं डायरेक्ट होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सिद्ध कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर माइनस 25। देखना बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर माइनस 25 सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, क्या उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। इसका फार्मूला होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। तो करेंगे अगर बेटा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है बेटा कितना, 5 है, 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ले बेटा, यहाँ बड़ा ब्रेकेट लगा लेना, माइनस कॉमन लोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 इंटू बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू कितना दिया बेटा, माइनस 10 दिया। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रेकेट था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमको नहीं पता है, क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है ना, ध्यान देना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, इसका स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है बेटा, 5 है, तो यहां पे रखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2, इसका वैल्यू कितना है बेटा, 10 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है, 10 है, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 बराबर यहाँ पे क्या है बेटा, सॉरी प्लस का चिन्ह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10 दूनी 20, इसको इधर लाओगे बेटा तो 25 माइनस 20 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर लिखना चाहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो इसके जगह लिख सकते हैं बेटा 5 गुणे ब्रेकेट में कितना, 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 हो जाएगा, 5 गुणे 10 में से 5 गया माइनस 5, 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, माइनस 25, जो कि हमको लाना था आ गया। इसी के साथ बाबू इसका बहुपद का विविध प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।